65। यहाँ पे हमने 250 ग्राम पनीर लिया है जिसको ऐसे क्यूब्स में काट लिया है बड़े, और अब हम इसमें मिक्स करेंगे एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और एक बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अगर ये पेस्ट ना हो आपके पास तो जिंजर और गार्लिक को ग्रेट करके आप एक बड़ा चम्मच इसमें मिला दें। अब इसमें हम डालेंगे 3 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 बड़े चम्मच मैदा। अब पनीर में पहले हम इसे ऐसे करके कोट करेंगे, ड्राई कोटिंग करेंगे इसकी, जिससे पनीर हल्के हल्के हमें कोट करना है जिससे पनीर टूटे ना। देखिए ये अच्छे से कोट हो गया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून दही मिलाएंगे। अब दही भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है और इसकी कोटिंग बहुत अच्छे से हो गई है। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करने रख देंगे। तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसमें एक पीस डाल के पहले चेक करेंगे। तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें धीरे धीरे दूसरे पीसेस भी डालेंगे। पनीर को हम अलग अलग करके ही डालेंगे, नहीं तो सारे पीसेस चिपक जाएंगे आपस में। ये देखिए हमारे पनीर अच्छे से रेड हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। देखिए पनीर अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई किया है, क्योंकि अगर हम इसको लो कर देंगे तो पनीर क्रिस्पी नहीं रहेगा। और ये अलग अलग देखिए कैसे खिला हुआ है, कोई भी आपस में जुड़ा नहीं है, इसीलिए हम इसको एक एक पीस करके फ्राई करते हैं। अब मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना अंदर से अच्छा होता है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी है ये, और अंदर से ये बहुत ही जूसी है ये देखिए। अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब हमने गैस पे कढ़ाई गरम कर दी है, ये अच्छे से गरम हो चुकी है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब इसमें हम 2 से 3 खड़ी लाल मिर्च डालेंगे और इसमें 8 से 10 पत्ते करी पत्ता, 2 हरी मिर्च बीच से कटी हुई। अब हरी मिर्च डालने के बाद इसमें मैंने 8 से 10 कली लहसुन एकदम बारीक काट के लिए है, वो भी इसमें डाल देना है। और ये सब चीज़ें मुझे मीडियम से हाई फ्लेम पे ही पकानी है। अब इसमें तुरंत हम एक छोटी अनियन डाल देंगे ऐसे स्लाइस करी हुई, और फिर इसमें एक छोटी शिमला मिर्च स्लाइस करी हुई। बस हमें इसको इतना भूनना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें थोड़ी सी स्प्रिंग ऑनियन डाल देंगे, करीब 1 से 2 टेबल स्पून। जब तक है हमारा वहाँ पे प्याज अच्छे से पक रहा है, हम इसको जो है एक पेस्ट तैयार करेंगे। इसमें हमने यहाँ पे 3 टेबल स्पून दही लिया है और 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, और दही को कॉर्नफ्लोर में मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। अब देखिए इसका पेस्ट अच्छे से रेडी हो गया है। अब हमारी प्याज और वो शिमला मिर्च इसका कच्चापन निकल चुका है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस डालेंगे और इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अब इसमें हम तुरंत डालेंगे जो हमने दही का पेस्ट बना के रखा है। अब इसको हम चलाएंगे अच्छे से, एकदम हाई फ्लेम पे ही ये सब चीज़ों को पकाना है। अब 1 मिनट तक इसको पकाने के बाद हम इसमें जल्दी से पनीर डाल देंगे। अगर आपको ड्राई चाहिए तो ये एकदम आप सुखा दीजिए इसमें। देखिए हमारा पनीर 65 एकदम रेडी है।
ऑफ कर देंगे और सर्व करेंगे। ये देखिए हमारा पनीर 65 एकदम रेडी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।